जी बस। और कहाँ से आया, क्या नाम? मैं यहीं की हूँ, रायपुर श्रीनगर से। वर्षा तिवारी। अच्छा, जो समस्या आपकी उसका समाधान के लिए आई है जी? तो अकेले और कोई लोग भी है जी? अकेले आए, कोई और लोग भी है? मैं, मेरा पूरा परिवार बैठा है, लेकिन अपने मैं अकेले हूँ। अच्छा, समस्या क्या है अभी आपकी? नहीं, मैं समस्या तो बाबा जी बताएंगे, मैं बताऊँ। जो कहता है कि बाबा जी जान जाते हैं, सब गलत है। मैंने तो किसी को यहाँ किसी को कुछ नहीं बताया है। आप इन कार्यक्रम में पहले भी आ चुकी हैं क्या? मैं रोज आ रही हूँ। रोज आ रही हूँ, तो क्या लगता है जो बताते हैं वो सच होता है कि इनको कोई ऐसी शक्ति है? कौन सी शक्ति है आपको लगता है? शक्ति तभी तो मुझे इतनी भीड़ से मुझे बुलाया गया है। जब शक्ति तभी तो मैं यहाँ के बैठी हूँ, जो मुझे परेशानी है। अगर शक्ति नहीं होती तो मेरा नंबर इतनी भीड़ में लगता कहाँ से? आपकी आज अर्जी लगी है, कैसा लग रहा है अभी आपको? मैं बता नहीं सकती, मैं शब्द ही नहीं है मेरे पास। तो ये है, इनकी अर्जी लगी हुई है, देख रख सकते हैं आप। जब मंच पे जा रही हैं, बागेश्वर धाम के दरबार में जा रही हैं। ये रायपुर की रहने वाली हैं, पूरे परिवार के साथ आई हुई हैं, और इनका पूरा परिवार बैठा हुआ है मैदान में, इधर पंडाल में बैठा हुआ है। हालांकि इन्होंने समस्या नहीं बताया है, लेकिन इन्हें विश्वास है कि इन्हें पूरी जानकारी है जो बाबा के दरबार में गए हैं, और बाबा इनकी समस्याओं को लिख के बताएंगे और समाधान भी बताएंगे। आइए देखिए क्या बोलते हैं दोनों। घर में आपने अर्जी लगाई है? हाँ, माइक से बोलो। ऐसा लिखकर आया, हम नहीं बोल रहे, हमें तो दोबारा दिया। घर में आपकी अर्जी लगाई है, पति को फिट की परेशानी है, फिट की झटके बनते हैं, 10 साल से ज्यादा हैरान है, ब्रेन में समस्या बताई है, पूर्णतया लाभ होगा, डॉक्टरी सलाह के साथ चलना है, मंत्र चिकित्सा से आराम लग जाएगा, स्वास्थ्य में आशीर्वाद है। पहले माइक उठाओ, अब बोलो क्या करना चाहिए। बोलना बात एकदम सही। बोलो सीताराम, साधु जी। नाम लेकर मिला है। अब इसके बाद एक और चेक कर लेते हैं, जो पत्रकार हम सामने आए।